लोग ना हमारी इस चाय की तरह होते हैं, जैसे हमारी चाय महकती है बिल्कुल वैसे ही उनके जज्बों, हौसलों और ईमानदारी की महक दूर दूर तक होती है। तो आज हम आपको इन्हीं से मिलवाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, हमारे रंगीले देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम जुगाड़ किंग कह सकते हैं। तो देश के उन होनहारों की भी हम बात आज करेंगे और आपको ले चलेंगे हिंदुस्तान के उन कोने में जहां पे ये टैलेंटेड लोग भी हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अदिति। और इन हुनरमंदों के अलावा भारत की बढ़ती समुद्री ताकत भी आपको दिखानी है, साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की कौन सी इमारतें बना सकती है वो जगह, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका। क्रिसमस काउंटडाउन शुरू हो गया है तो दुनिया भर से आ रही है तस्वीरों के साथ, हम भी अपनी तैयारियां पुख्ता करेंगे। चलिए, कार्यक्रम में आज सबसे पहले एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छूएगी। कहानी के दो किरदार हैं, एक डॉक्टर, दूसरा उनका मरीज। और इस कहानी में एक डॉक्टर की दरिया दिली है तो मरीज की ईमानदारी भी है। बिल्कुल, ये कहानी 11 साल पहले शुरू हुई थी जो अब पूरी हुई है। कहानी है पंजाब के पटियाला की, जहां सर्जन भगवंत सिंह ने 11 साल पहले बिना फीस लिए एक मरीज का ऑपरेशन किया था। 11 साल बाद वो मरीज उनकी फीस देने डॉक्टर साहब के अस्पताल में पहुंच गया है। दोनों गले मिले और आंखों से आंसू छलक गए। ये दोनों कोई बिछड़े हुए भाई नहीं है जो एक दूसरे को सालों बाद देखकर भावुक हो गए हो। ये डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है। तस्वीरें जितनी भावुक हैं, ये लम्हा और ये कहानी उससे भी कहीं ज्यादा भावुक है। पटियाला की सर्जन डॉक्टर भगवंत सिंह तब हैरान रह गए जब एक शख्स 11 साल के बाद ऑपरेशन की फी देने पहुंचा। राम साहब है जी, अज तो 11 साल पहला मैं अपेंडिक्स ऑपरेशन किया, मेरे को पैसा नहीं सीगा। कहता मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा भी जब तेरे पास पैसे हो तो आ जाना, दोबारा दे जाना। सो 11 साल बाद यह हरिद्वार तो दोबारे अपना जिहड़ा इहनूं लग्गिया वी इहदे सिर ते कर्जा है, लाउण लई आया मेरे कोले, उसनूं पैसे देण लई वापस आया। 11 साल बाद जब मरीज ने डॉक्टर को उस घटना की याद दिलाई तो डॉक्टर साहब खुद को रोक नहीं पाए और मरीज की इस ईमानदारी पर ऐसा पिघले कि आंसुओं की धारा बह गई। दरअसल डॉक्टर भगवंत सिंह ने 11 साल पहले एक ऑपरेशन किया था, राम सहाय नाम के मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था, लेकिन मरीज के पास उनको देने के लिए उस वक्त पैसे नहीं थे। मरीज ने अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब पैसे हो तो दे जाना। दिलचस्प बात यह है कि 11 साल बाद वो मौका आया जब राम सहाय अपने ऑपरेशन की फी देने के लिए डॉक्टर भगवंत सिंह के पास हरिद्वार से पटियाला पहुंच गए। राम सहाय ने डॉक्टर भगवंत सिंह से मिलने के लिए काफी मशक्कत की। उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए अस्पताल में एक दिन इंतजार भी किया। 11 साल अपने दिल च यही रखिया, याद रखिया भी मैं किसी का कोई कर्जा है या मैं उसका कोई आसान है जिहड़ा वापस करना है, उसके करके उसका कोई मुल नहीं सी। वो मेरे लिए बहुत वड्डी बहुमुली चीज सी। राम साहिब कित्थे दा रहण वाला सी? इह हरिद्वार दा रहण वाला है, क्योंकि पहला तो इत्थे ही सी, वो कितने मजदूरी करता सी, पर हुण जदों आके दस्या भी मैं हरिद्वार तो स्पैशल लेके देण आया तुहाडी फीस, उहदे कोले एक कृष्ण जी की मूर्ति सी, वो कहिंदा भी मैं इहदी आस्था करदा, इह मेरे भगवान है ते मैं इहनां नूं जाके जवाब देना है। राम सहाय ने जो किया वाकई काबिले तारीफ है। इस कहानी में जहां राम सहाय की ईमानदारी और सच्चाई की चर्चा हो रही है तो वहीं डॉक्टर भगवंत सिंह भी एक मरीज से मिली इस यादगार फी को ताउम्र याद रखेंगे। पटियाला से मनीष कौशल के साथ कमलजीत संधू, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
और डॉक्टर भगवान सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहानी सुन के हम भी काफी भावुक हो गए हैं। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा लगा होगा जब वो मरीज 11 साल बाद आपके पास आया होगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात और, आज जब सब कुछ कमर्शियलाइज्ड हो गया है, डॉक्टर और जो पेशेंट है उसका रिश्ता भी एक तरह से कहते हैं कि वो भी कमर्शियलाइज्ड हो गया है, उस दौर में इस तरह की कहानी क्या कहेंगे आप? ये एक इंसानियत की बेमिसाल जो मिसाल थी, जिसको राम सहाय ने इतनी बखूबी से निभाया कि मैं अपने आप पे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख सका उसके इस जेस्चर को देख के। डॉक्टर साहब, उसी बात को मैं आगे दोहराती हूँ। देखिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आज के जमाने में सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है, आपने एक रुपया तक उनसे फीस नहीं ली, और वो भी तारीफ के काबिल है। डॉक्टर साहब, मैंने जो किया था वो एक मेरी फर्ज भी था और एक इंसान के नाते एक हेल्प करने की वो भी थी, और मैंने अपनी समर्थता से किया था, मगर जो उसका जेस्चर था वो उसकी समर्थता से कहीं ज्यादा और कहीं बड़ी चीज थी, जो उसने 11 साल अपने मन में रखी और उसको पूरा करने के लिए वापस आया। इसमें हीरो राम सहाय है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इंसान के रूप में भगवान ही जो है वो डॉक्टर को माना जाता है। आपने एक्चुअली में वो काम करके दिखाया है और ये प्रेरणादायक भी है, लेकिन क्या आपके पास अक्सर राम सहाय जैसे लोग आते हैं? क्या आप इस तरह की सेवा करते रहते हैं? जी, मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में एक डोनेशन फंड है, मुझे नहीं पता उसमें कौन पैसे कब डालता है, हर टाइम उसमें 4-5 लाख रुपया रहता है। अगर किसी मरीज को कोई भी चीज की जरूरत हो। जी जी जी, वाकई देखिए, प्लांट की जरूरत हो। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें डॉक्टर साहब। हम जो डोनेशन फंड हमारे हॉस्पिटल में है वो इन्हीं गरीब मजदूरों के लिए है और गरीब लोगों के लिए है। उसमें कौन कब डालता है पैसे मुझे नहीं पता, उसका एक स्पेशल आदमी है जो उसको रखता है, वो मेरे हॉस्पिटल का एम्प्लॉई नहीं है, और जब भी हमें उसको जरूरत पड़ती है किसी के लिए यूज करने की, वो पैसे हमें मिल जाते हैं, वो चाहे 10,000 हो, 20 हो, 50 हो, लाख हो। जी डॉक्टर साहब, तो क्या इस फंड में से राम सहाय जैसे ही और पेशेंट्स हैं उनका इलाज होता रहता है? बिल्कुल होता रहता है जी, आवर हॉस्पिटल इज नोन फॉर इट। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो ये कर रहे हैं उसे बरकरार रखिए। और प्रेरणा देने वाली एक और खबर भी हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। ये खबर है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से इसे कायम किया है। उन्होंने स्कूल को हरा भरा बना दिया है और पर्यावरण संरक्षण का दूसरों को संदेश दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि जल संरक्षण के भी अलग से स्कूल ने यहां पर अलग जगह आई है। स्कूल की मेहनत की वजह से इलाके के कई जल कुंड प्रदूषण मुक्त हो गए हैं। इस सराहनीय काम के लिए स्कूल को जल शक्ति मंत्रालय ने पुरस्कृत भी किया है। विवेकानंद मॉडल स्कूल राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा ब्लॉक में आने वाला सरकारी स्कूल दूसरे स्कूलों की तरह ही है, पर यहां की शिक्षा बिल्कुल अलग है। प्रकृति की चुनौतियों और जरूरतों को यहाँ के बच्चे बखूबी समझते हैं, तभी तो इस स्कूल की शिक्षा में जल संरक्षण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का सबक सिखाया गया है। यहाँ के बच्चों के प्रयोग का नतीजा है स्कूल की ये हरियाली। स्कूल में आपको तरह तरह के पेड़ पौधे इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये बच्चे किसी भी प्लास्टिक के वेस्ट को इधर उधर पड़े नहीं रहने देते, बल्कि उसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये बोतल हो तो वो इन बच्चों के लिए गमले के तौर पर काम आती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के दूसरे टुकड़ों का इस्तेमाल क्यारियां या फिर नए पौधे के लिए बाउंड्री बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक की जो बोतल होती है जिनको लोग पानी पी करके फेंक देते हैं, उनसे हम उनको कलेक्ट करते हैं और उनके अंदर जो भी जैसे कि प्लास्टिक के कचरे हैं उनको भरते हैं, और जब तक भरते रहते हैं जब तक ये हार्ड नहीं होता, और जब तक ये हार्ड होते हैं फिर हम इनके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इनको जैसे कि इको ब्रिक से इनके रूप में यूज लेते हैं हम लोग। पर्यावरण के साथ जल संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के तहत पानी बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कस्बे के मान सरोवर, राम सागर और खारिया कुंड प्रदूषण मुक्त हो गए। चले थे अकेले लेकिन कारवां जुड़ता गया। किस प्रकार से हमने विद्यालय में कोविड की
भीषण वैश्विक महामारी के दौरान भी आपदा को अवसर में बदलने का कार्य किया और विद्यालय में और इसके चारों ओर के परिवेश में पानी को बचाने की एक मुहिम आरंभ की, सेव वाटर ड्रॉप कैंपेन। और इस कैंपेन के माध्यम से हमने पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए अनेक नवाचार किए। इन्हीं नवाचारों के कारण 2020 में मुझे जल संसाधन मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से नेशनल वाटर हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। स्कूलों का ये प्रयोग शिक्षा के लिहाज से कारगर माना जाएगा क्योंकि इससे बच्चे जहां कुछ नया सीख रहे हैं तो वहीं अपने आसपास स्वच्छता और कुदरत को बचाने की अलख भी जगा रहे हैं। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी से प्रेरणा लेकर किसी के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है, इसी से जुड़ी खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस कहानी में प्रेरणा ली है एक रशियन कपल ने और उनको प्रेरणा मिली है भारत से। बिल्कुल, और अब ये जान लीजिए कि प्रेरणा मिली किस चीज से है। ये रशियन कपल भारत में हो रही ऑर्गेनिक खेती से इतना प्रभावित हुआ कि इसकी बारीकियां सीखने भारत के केरल पहुंच गए। अब ये जोड़ा केरल के कुन्नूर में जैविक खेती के गुर सीख रहा है। खेती का अंदाज ठेठ देसी है लेकिन ये जोड़ा विदेशी है। ये जोड़ा रूस से आया है और खेत में फावड़ा और कुदाल फोटो सेशन के लिए नहीं चला रहा, खेती के प्रति इनका झुकाव भारत तक इन्हें खींच लाया है। इन्हें भारतीय ऑर्गेनिक खेती इतनी भाई कि इसके गुर सीखने के लिए रूस से भारत आ गए। इनका लिबास देखकर कोई भी मान लेगा कि ये सालों से यहां रह रहे हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने की खातिर और ऑर्गेनिक खेती के गुर सीखने के लिए इन्हें इंटरनेट की खूब खाक छाननी पड़ी। I'm from Russia. I came here to learn organic farming at Kanur. So we registered on the Indian VVOOF and we just came find the Harris's Farms the list and came here. We are here for 2 weeks already and we will be here until we... भले ही इस जोड़े को आए बहुत वक्त नहीं हुआ है लेकिन इस थोड़े ही वक्त में ये जोड़ा हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा रच बस गया है मानो इस जोड़े के लिए हिंदुस्तान इनका दूसरा घर है। दोनों का देसी अंदाज इलाके के लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। ये यहाँ ऑर्गेनिक खेती सीखने आए हैं लिहाजा मिट्टी और गोबर से किसी तरह का कोई परहेज नहीं। ये जोड़ा फिलहाल कुछ और दिन रहकर ऑर्गेनिक खेती के ये गुर सीखेगा। सीखने का जज्बा इन्हें हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान लेकर आया है। इस जोड़े ने जो यहाँ सीखा है उसे वो अपने देश में आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है और इस बराबरी की तस्वीर चुनावों में भी देखने को मिलती है। और खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से आई है जहां पशुओं को चराने वाले एक चरवाहे ने सरपंच का चुनाव जीत लिया। भले ही चरवाहे के पास संसाधन कम थे लेकिन उसे लोगों का साथ मिला और चुनाव में उसे जीत मिली। जीत के बाद गाजे बाजे के साथ लोगों ने अपने नए सरपंच का स्वागत भी किया। लोकतंत्र की मजबूती और उसकी खूबी को बयां करती ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां एक चरवाहे के सरपंच का चुनाव जीतते ही पूरा गांव जश्न में डूब गया। इस शानदार जीत के बाद बैंडबाजे के साथ नए सरपंच प्रहलाद बोदाजी आलाम का जोरदार स्वागत किया गया। जमकर आतिशबाजी भी हुई, लोगों ने फूल माला पहनाकर अपने नए सरपंच को जीत की बधाई दी। इस दौरान लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ भी मच गई। इस असाधारण जीत के बाद साधारण सा विजय जुलूस भी निकाला गया जिसके लिए प्रहलाद आलाम फूलों से सजे एक ऑटो में सवार हो गए। जब उनका ये विजय जुलूस गांव की तंग गलियों से होकर गुजरा तो वो हाथ जोड़े सभी को धन्यवाद देते नजर आए। असल में गांव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि साइकिल पर चुनाव प्रचार करने वाले प्रहलाद जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास तो गांव पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। वो गांव के लोगों से चंदा मांगकर इस चुनाव में खड़े हुए थे।
लेकिन प्रहलाद को यहाँ के लोगों के साथ ही किस्मत का भी साथ मिला। इस तरह इस जन समर्थन ने प्रहलाद बुधाजी आलाम को देखते ही देखते बामनी गांव का सरपंच बना दिया। विकास राजुरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। देसी भाषा में जिसे जुगाड़ कहा जाता है, हम हिंदुस्तानी उसे टैलेंट मानते हैं। तो ऐसे ही एक टैलेंटेड शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर एक शख्स ने एक नैनो कार को हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया। बस ये कार उड़ नहीं सकती है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर के डिजाइन वाली इस कार को एक कारपेंटर ने बनाया है, नाम है सलमान। शहर में जहां से भी ये गुजरती है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस कार को देखने के लिए सलमान के घर भी लोग आते रहते हैं। सड़कों पर दौड़ता ये हेलीकॉप्टर देखिए, रंगीन रोशनी ओढ़े उड़न खटोला देखिए, एक नौजवान कारपेंटर का हुनर देखिए। कहते हैं हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले एक कारपेंटर ने इसी कहावत को सिद्ध कर दिखाया है। सलमान नाम के इस कारपेंटर ने ऐसा हुनर दिखाया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सलमान ने इस कार को एक हेलीकॉप्टर जैसा लुक दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सलमान का ये अनोखा उड़न खटोला सड़क पर दौड़ने को तैयार है। हालांकि इस शानदार हेलीकॉप्टर को देखकर धोखा मत खाइएगा। देखने में भले ही पूरी तरह हेलीकॉप्टर लग रहा हो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि सड़क पर हवा से भी तेज दौड़ने वाली कार है, जिसको सलमान ने नया लुक दिया है। सलमान को इस हेलीकॉप्टर वाली कार को बनाने की प्रेरणा YouTube से मिली। YouTube पे एक वीडियो देखे थे, बिहार किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे, उन्होंने चैलेंज किया, इनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे पास भी नैनो कार गाड़ी थी और मैं एक दिमाग में बात रखा है कुछ ऐसा किया जाए कि अपने जिला अपने गाँव का नाम भी सब रोशन हो, तो मैंने अपने गाड़ी पर काम करना शुरू किया। हेलीकॉप्टर नुमा इस कार को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है ताकि ये भीड़ में कुछ अलग दिखे। इस कार कम हेलीकॉप्टर को बनाने में 3 लाख रुपए का खर्च आया है। 4 महीने लगभग काफी मेहनत किए सर, दिन रात मेहनत किए, उसके बाद 4 महीने बाद हमारी गाड़ी फाइनल हो गई। लगभग इसमें 3 लाख रुपए हमने लगाया। सलमान की इस क्रिएटिविटी की खूब तारीफ हो रही है, लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और सलमान के हौसले को सलाम कर रहे हैं। एकदम जहाँ भी जाती है मतलब भीड़ पूछे ही है, मतलब बहुत भीड़, हर गाड़ी से बिल्कुल अलग है ये, और जहाँ भी जाती है बहुत भीड़ लगती है, एकदम जी बहुत डिमांड एकदम है इसकी। फिलहाल सलमान के इस अनोखे आविष्कार की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है, लोग सलमान का कार कम हेलीकॉप्टर देखने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आईटीबीपी भगवान बद्री विशाल के धाम की सुरक्षा का ख्याल रखेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के आग्रह पर लिया। बिल्कुल, बद्रीनाथ की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की 2 कंपनियों को भेजा गया है। आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह को लगभग 30 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया गया है, ऐसे में मंदिर की सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। ९९ नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए थे, जिसके बाद से भगवान बद्री विशाल के द्वार आजकल श्रद्धालुओं के लिए बंद है। लेकिन भगवान में भक्तों की इतनी आस्था है कि श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपने आराध्य के दर्शन का रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना की वजह से 2 साल से भक्तों के लिए 4 धाम यात्रा बंद थी, लेकिन जब ये इस साल शुरू हुई तो भक्तों का उत्साह देखते ही बना। बद्रीनाथ धाम में आजकल कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड में बद्रीनाथ के मंदिर की सुरक्षा अब आईटीबीपी के हवाले कर दी गई है। दरअसल मंदिर के कपाट बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह को लगभग 30 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया गया था, इसलिए शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी को दे दिया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद मंदिर की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। पत्र के जरिए मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने के बारे में बताया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम की जरूरत बताई गई थी। गृह मंत्रालय ने बद्रीनाथ धाम में एक प्लाटून आईटीबीपी की टीम भेज दी है,
और आईटीबीपी के 30 जवानों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस के पास ही थी, लेकिन अब आईटीबीपी ने अब ये जिम्मेदारी उठा ली है। आईटीबीपी की दो कंपनियों को यहाँ लगाया गया है। वैसे बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा में आईटीबीपी की बटालियन 12 महीने मौजूद रहती है। चूंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत नव निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में इस वक्त सुरक्षा का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब देश की सुरक्षा से जुड़ी करते हैं। केवल जमीनी सुरक्षा ही नहीं, समुद्र में भी ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब समुद्र में देश को एक नया योद्धा मिल गया है और वो है INS वगीर। ये नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो नौसेना को हासिल हो गई है और इस पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने से नौसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए समंदर में उतरने को तैयार है INS वगीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसे नौसेना में कमीशन किए जाने पर INS वगीर नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 स्वदेशी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिनमें से ये 5वीं पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा है। इसी क्लास की 4 और पनडुब्बियां INS कलवरी, INS करंज, INS खांडेरी और INS वेला पहले से ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसी श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वक्षीर पर भी काम तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही नौसेना के सुपुर्द कर दी जाएगी। 1 फरवरी से वगीर का ट्रायल शुरू हुआ था और इसने वक्त पर सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। INS वगीर 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची पनडुब्बी है। ये पानी के अंदर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। खास बात यह है कि एडवांस तकनीक से लैस ये पनडुब्बी पानी के अंदर दुश्मन की टोह लेने में माहिर है। यकीनन INS वगीर के आने से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं को एक और मजबूत प्रहरी मिला है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात हिंदुस्तान के उस रंग की जिसने भारत के सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान दी है। यूनेस्को ने भारत की 3 धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी की मूर्तियां शामिल की गई हैं। जी हाँ, वडनगर से पीएम मोदी का भी रिश्ता रहा है और मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर ने कुछ वक्त पहले अपने लाइट एंड साउंड शो से अपना ध्यान खींचा था। तो लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इन धरोहरों की वो झलक जिसने अपनी ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। ये हिंदुस्तान की वो धरोहर है जो आज भी शान से सिर उठाए भारत की सांस्कृतिक गाथा की कहानी बयां कर रही है। वडनगर से लेकर मोढ़ेरा तक और ओडिशा के ऊनाकोटी के इन चट्टानों तक हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी विरासत आज भी सांस ले रही है। गर्व की बात यह है कि सांस्कृतिक चेतना की इन धड़कनों को अब नई पहचान मिल रही है। वडनगर के अलावा त्रिपुरा के ऊनाकोटी और मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित लिस्ट में जगह मिली है। वैसे तो गुजरात के शहर वडनगर की एक पहचान पीएम मोदी से जुड़ी है, लेकिन इतिहास से भी इस शहर का बरसों पुराना नाता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेन स्वांग की यात्रा में वडनगर का जिक्र है। जाहिर है वडनगर में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। जैन गुफाओं से लेकर सोलंकी शासकों के बनवाए गए कई स्मारक आज भी वडनगर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। जिस धरोहर को यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में जगह दी है उसमें गुजरात के मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर भी शामिल है। ये मंदिर पाटन से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर पड़ता है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्योदय होते ही सूरज की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। भारत के जिस सबसे खास सांस्कृतिक धरोहर ने यूनेस्को का ध्यान खींचा है
उसमें उनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई ये मूर्तियां भी शामिल हैं। कहते हैं यहाँ हर पत्थर आपसे संवाद करते हैं। ये जगह अगरतला से 145 किलोमीटर दूर है। चाहे वडनगर की ऐतिहासिकता हो या फिर मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, ये वो धरोहरें हैं जो हिंदुस्तान के दिल में धड़कती हैं। उनाकोटी में पत्थरों पर उकेरी गई एक एक मूर्ति खुद में सांस्कृतिक धरोहर है। आज हिंदुस्तान की अद्भुत धरोहर से दुनिया का साक्षात्कार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये दिसंबर शुरू होती है, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में ना जश्न आ गया है। जैसे जैसे दिसंबर गुजर रहा है, जोश और उत्साह उतना बढ़ता जा रहा है और नए साल के स्वागत की तैयारियों के साथ साथ अब क्रिसमस की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है। मैंने नवजोत बताइए, छुट्टी की क्या तैयारी है? छुट्टी छोड़िए, गीतिका और अदिति आज दोनों लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जगह अवेलेबल है, हम कहाँ अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो हम छुट्टियों की बाद में करेंगे, लेकिन खबर आपको बता दे, देखिए क्रिसमस में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी और पुडुचेरी से लेकर दिल्ली तक क्रिसमस की तैयारियां अंतिम दौर में है। लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए आप भी। तस्वीरें बता रही हैं कि क्रिसमस की रौनक हर तरफ दिखने लगी है। देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कोलकाता को ही लीजिए, यहां क्रिसमस की तैयारियों की रौनक सड़कों पर नजर आ रही है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग इन सड़कों पर गुजरने वाला हर शख्स बस इन्हें अपने कैमरे और यादों में कैद कर लेना चाहता है। कोलकाता की गलियों और चौबारे क्रिसमस की खुशियों से गुलजार हैं। कलरफुल लाइट से सजे सेंटा क्लॉज क्रिसमस ट्री को सड़कों पर लगाया गया है। पूरा लेक टाउन इलाका रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। क्रिसमस को लेकर यहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं चेन्नई में भी क्रिसमस की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। यहां चारों तरफ क्रिसमस की धूम है। यहां के एक मॉल में क्रिसमस विलेज बनाया गया है। लोग न सिर्फ दूर दूर से इस क्रिसमस विलेज का हिस्सा बनने आ रहे हैं, बल्कि ये उन्हें खूब भा भी रहा है। बच्चे यहाँ जमकर आनंद उठा रहे हैं, बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं तो बच्चे तरह तरह के खेलों के जरिए क्रिसमस को जी रहे हैं। पुडुचेरी में भी क्रिसमस का जश्न देखते ही बन रहा है। बाजार यहां सज चुके हैं। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट का खास कलेक्शन रखा गया है। सेंटा क्लॉज, बच्चों के लिए कैप्स, क्रिसमस ट्री लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ऐसी ही सजावट सिलीगुड़ी के बाजारों में भी है। क्रिसमस के सामान सज गए हैं, लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोयम्बटूर में बांस के सामान बनाने वालों ने क्रिसमस के लिए पालने बना लिए हैं। क्रिसमस में बेहद कम समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस इंतजार है क्रिसमस का, जब हर तरफ जश्न और रंगीनियत से देश दुनिया मुस्कुराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में डूब गए हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक ये जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या घर और क्या बाजार, हर तरफ क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। और केवल क्रिसमस ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पूरे जोश के साथ नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और ये तैयारियां बता रही हैं कि इस साल जश्न खास होने वाला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो नए साल के जश्न की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस समय क्रिसमस के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ है। क्रिसमस ट्री से लेकर शहरों की सजावट भी देखते ही बन रही है। माहौल पूरी तरह से फेस्टिव हो गया है। पहले क्रिसमस और उसके बाद नए साल के आगमन का जश्न, पूरी दुनिया में उत्सव का नजारा देखा जा रहा है। फ्रांस से लेकर रोमानिया तक, ऑस्ट्रिया से लेकर न्यूयॉर्क तक, दुनिया में फेस्टिवल की रौनक दिखने लगी है।
क्रिसमस को लेकर यरूशलम से अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर सेंटर ने बच्चों को खुश करने के लिए शानदार पहल की। पहले तो सेंटा हॉट एयर बलून पर सवार हुए और वहाँ से बच्चों को गिफ्ट देते नजर आए और लोगों को क्रिसमस विश करते दिखे। सेंटा की इस कोशिश से पूरे यरूशलम में खुशी देखी जा रही है। क्रिसमस की तैयारियों के साथ नए साल 2023 की स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तो बाकायदा रिहर्सल की जा रही है कि कैसे जब नए साल में दुनिया प्रवेश करेगी तो काउंटडाउन कैसा होगा। We love celebrating these milestones in our life, whether it's a birthday, an anniversary, or Times Square New Year's Eve. It's a moment for all of us to get together, celebrate life, and look forward with hope to the new year. लोगों में क्रिसमस के साथ न्यू ईयर के वेलकम को लेकर भी काफी उत्साह है, तभी तो तैयारियों के बीच लोग फोटो सेशन भी करवाते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगीत के एक अनोखे संसार में लिए चलते हैं और सुरों की ये महफिल दरअसल सजी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। सुरीली महफिल में केवल देशी नहीं बल्कि विदेशी फनकार भी जमा हुए हैं और अपने सुरों से समा बांध रहे हैं। दरअसल ग्वालियर में इन दिनों तानसेन महोत्सव चल रहा है, जहां पर सुरों के सम्राट तानसेन को सुरों के जरिए याद किया जा रहा है और इसी कड़ी में चिली से आए कलाकारों ने उनको स्वरांजलि अर्पित की। मंच देसी है लेकिन कलाकार हैं विदेशी। ये तस्वीरें ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह की हैं। तानसेन की नगरी में संगीत के सालाना उत्सव में इस बार चिली के संगीतकारों ने अपनी धुनों और तरानों से शानदार समा बांध दिया। कलाकारों ने इलेक्ट्रिक गिटार, बांसुरी और दूसरे साज के साथ अपने सुर छेड़कर संगीत सम्राट तानसेन को स्वरांजलि दी। Well, what we presented today is mostly our own compositions that are based on different genres of South American music or even other places. Like we have been traveling for 5 years in Turkey, in India, in Nepal, in Europe, in South America also. So what we do is kind of a little bit of many things. वहीं बहुत से भारतीय संगीतकारों और कलाकारों ने भी समारोह में अपने गायन और वादन से चार चांद लगा दिए। शास्त्रीय संगीत के कदरदानों के लिए नामचीन कलाकारों से रूबरू होने और उनके संगीत का आनंद लेने का ये एक शानदार मौका बन गया। मेरा मानना तो ये है कि धीरे धीरे क्लासिकल संगीत हमारा खत्म होते जा रहा है। ये ऐसा माध्यम है कि लोग इससे आज भी जुड़े हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल अरिजीत सिंह को या फिर काफी जो आजकल राइज कर रहे हैं सिंगर्स उनको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कि क्लासिकल सुनना चाहते हैं। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश नहीं अभी तो पूरे देश में एक अलग तरीके का अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि ये ग्वालियर में तानसेन जी का समाधि स्थल है, यहीं पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। पिछले 2-3 सालों का जो कार्यक्रम का शेड्यूल रहा है वो थोड़ा सा कोरोना काल के चक्कर में, कोरोना काल के कारण से वो थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ है, लेकिन इस वर्ष भव्यता के साथ इसका आयोजन पुनः अपने रूप में आयोजित किया गया। इस खास संगीत समारोह में इस बार मशहूर बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी को तानसेन सम्मान से नवाजा गया। तानसेन समारोह में जो कला साधक पधारे नित्यानंद जी और उमा जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी साधना को प्रणाम करते हैं कि आज उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। ग्वालियर में ही सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और समाधि है, उनकी याद में यहाँ संगीत समारोह 98 वर्षों से हो रहा है। इस बार भी इस परंपरा को कायम रखते हुए 5 दिनों तक सुरों की सरिता बहाने का अनूठा प्रयास किया गया है। हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसको सुनते हैं और आनंद लेते हैं। इस बार भी जो हमारा कार्यक्रम है इसमें बहुत अच्छे विशिष्ट हमारे कलाकार साहब हैं
राष्ट्र लेवल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता और अच्छे से एंजॉय करेगी। ये समारोह 23 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान ग्वालियर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह संगीत की सुरलहरियां गूंजती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए मौसम है कड़क, इसीलिए तो हमारी चाय भी कड़क हो गई है और सर्द मौसम में जिसका भाव बढ़ जाए वो है हमारी चाय। बिल्कुल, तो हमारी हाइड्रेटेड चाय को आप भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि सर्दी को भगाने का ये तो एक प्याला है। उसने कहा हमें मनाना नहीं आता, हमने पूछा चाय बनाना तो आता है ना। वाह 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 वाह, तो बनता था यार। बिल्कुल वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ठीक है, एक कप चाय तो रिश्ते बनाती है, ये बात ही सच है। बिल्कुल, वैसे देखिए चाय पर ना हम सब लोग एक बहुत बड़ा एडिटोरियल हर रोज लिख सकते हैं, लेकिन चाय का मजा सबके साथ आता है। कल फिर आइएगा, मिलकर चाय पियेंगे। 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।